Power rates are agreements or contract to purchase or sell some asset at a fixed price for future date. आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आज खरीदने के लिए नहीं, 3 महीने बाद के लिए, और एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लेते हैं ताकि रेट में बाद में कोई चक्कर नहीं हो. सो फॉर रेट्स इज द रेट अग्रीड टुडे, फॉर रेट इज द रेट अग्रीड टुडे टू परचेज और सेल समथिंग फॉर अ फ्यूचर डेट. आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. इज इट क्लियर? आज खरीदना हो, एक दो दिन के लिए खरीदना हो, उसे स्पॉट रेट कहते हैं. अगर आज खरीद रहे हैं 3 महीने बाद के लिए, उसे फॉरवर्ड रेट कहते हैं. आई समटाइम्स इन अ सिंपल इन लाइटर वेन आई से फॉरवर्ड रेट इज अ काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट, इज अ काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट और एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ऑन अ फ्यूचर डेट. तो ये एंगेजमेंट है, आजकल सौदा हुआ है, एंगेजमेंट हुई है, मैरिज नहीं हुई है. मैरिज होगी फिक्स फ्यूचर डेट में, पर किससे होगी, कहां होगी, कब होगी, दैट ऑल इज डिसाइडेड राइट नाउ. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जैक्टली लाइक एन एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट दैट कि एंगेजमेंट में ट्रेडिंग नहीं होती है, यहां हम ट्रेडिंग भी कर लेते हैं. सो दैट्स, बट समझने के लिए परफेक्ट आंसर कि इट्स जस्ट लाइक एन एग्रीमेंट टू डन टूडे. एक हमने वादा किया है सामने वाली काउंटर पार्टी से, वादा किया है, वादा निभाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है. वादा आज नहीं निभाने का है, वादा निभाने के दिन आएंगे 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, बट उस दिन हमें वादा निभाना है. सो दैट्स एग्जैक्टली इज फॉरवर्ड रेट. जस्ट लिविंग बिसाइड द टेक्निकल लैंग्वेज इट्स एब्सोल्युटली सिंपल. आज कॉन्ट्रैक्ट किया है बट किसी और दिन के लिए. आज हम रिलायंस खरीद रहे हैं, 3 महीने बाद 2000 में खरीदेंगे, तो 2000 का रेट नक्की हो गया है. ठीक है, उस दिन भले ही भाव 2000 के बदले 3000 हो जाए या 1000 हो जाए, मैंने 2000 का रेट नक्की कर लिया है. सो दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड रेट्स. स्पॉट रेट इज 40.41 रुपी पर डॉलर. स्पॉट रेट इज 40.41 रुपी पर डॉलर एंड 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ₹40.5 and ₹42 रुपी पर डॉलर. फ्रेंड्स बिलीव मी, सपोज टुडेज डेट इज 10th of July 2010. तो 10th जुलाई को ही स्पॉट रेट चल रहा है 40.41 और 10th जुलाई को ही 3 महीने के लिए रेट चल रहा है वो 40.5/42. दोनों रेट आज ही चल रहे हैं, एक आज के लिए और एक 3 महीने बाद के लिए. इज इट क्लियर? जैसे हम एयर टिकट बुक कराते हैं, वो पूछता है कि आज जाना है या 3 महीने बाद जाना है. आज के लिए बुक करना है तो स्पॉट रेट्स हो गए, और 3 महीने बाद की एडवांस बुकिंग करनी है तो फॉरवर्ड रेट्स हो गए. एंड रेट्स में डिफर, रेट्स में डिफर. आज की जर्नी रेट्स और उस दिन की जर्नी की रेट्स, फेयर के रेट्स डिफर हो सकते हैं, उसका हम कॉन्ट्रैक्ट आज कर लेते हैं. इज इट क्लियर? सो ये है आज की स्पॉट रेट और ये है 3 महीने बाद की फॉरवर्ड रेट. लेकिन ये फॉरवर्ड रेट भी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट आज ही है, 3 महीने बाद होगा ऐसा नहीं है. 3 महीने बाद इस रेट हम मेटलाइज करेंगे, फिक्स हो जाएगा, लेकिन फिक्स आज ही कर दिया गया है. नाउ नेचुरली स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट कैन डिफर, एंड इफ दे डिफर देयर अराइजेस अ क्वेश्चन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट. ये स्पॉट है, ये फॉरवर्ड है, इन दोनों बीच में अगर डिफरेंसेस हैं तो वो हम कह सकते हैं वो प्रीमियम है या डिस्काउंट है. लेट्स टॉक अबाउट करेंसी बी. करेंसी बी यहां पे है डॉलर. डॉलर को आज खरीदते हैं तो 41 में मिलता है,
और डॉलर को अगर 3 महीने बाद के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 42 में मिल रहा है। सो आई ऑलवेज से कि 3 महीने बाद खरीदना है तो 1 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। सो आई ऑलवेज से कि डॉलर में 1 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। इन रूपी टर्म्स इट्स गुड, 1 रुपी प्रीमियम चल रहा है, सही आंसर है। बट देन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। सो आई ऑलवेज कैन से कि इसका परसेंटेज चल रहा है इतना। परसेंटेज प्रीमियम कितना चल रहा है, 41 पे 1 रुपए ज्यादा चल रहा है, इतने परसेंट प्रीमियम चल रहे हैं। और ये परसेंटेज 3 महीने के लिए है, ये परसेंटेज 3 महीने के लिए है। सो अगर पर एनम एक्सप्रेस करना हो तो आई कैन ऑलवेज से 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 12/3। सो इट मीन्स दैट परसेंटेज आई रिपीट अगेन परसेंटेज एनुअलाइज्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन करेंसी बी इज दिस मच, 1 रुपए ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और इस परसेंटेज को हमने एनुअल में एक्सप्रेस करें, ये 3 महीने का परसेंटेज था, एनुअल में एक्सप्रेस करें तो ये आंसर आ जाता है। बाय कन्वेंशन if you take currency b then we use ask rates, it is more by convention less by rules. So that means we can generalize our formula. A formula kind of thing is like this. Currency B. हम लोग कर रहे हैं अभी प्रीमियम या डिस्काउंट का टॉपिक कर रहे हैं, वहां पे आएगा परसेंटेज एनुअलाइज्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज एनुअलाइज प्रीमियम और डिस्काउंट पर एनम इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू 12 अपॉन एन एंड वी शुड यूज ask rates. F मतलब forward, S का मतलब spot, N is number of months forward contract, and finally friends, अगर इसका आंसर If the answer comes positive, ये फॉर्मूला किसके लिए है, करेंसी बी के लिए है। सो फॉर्मूला कम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का फर्स्ट लेटर है पी, देन करेंसी बी इज एट प्रीमियम। जिस करेंसी का फॉर्मूला यूज किया है उसका आंसर अगर पॉजिटिव में आए तो करेंसी बी इज एट प्रीमियम। सो पी फॉर पी, दैट वे वी कैन रिमेंबर, बट फॉर करेंसी बी ओनली। करेंसी बी इफ आंसर इज पॉजिटिव देन करेंसी बी इज एट प्रीमियम।
Now let's talk about currency A. करेंसी ए यहां पर है रुपी, ये प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है ये निकालना हो तो, सो परसेंटेज एनुअलाइज्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, फॉर्मूला एक ही है, अगर प्लस में हुआ तो प्रीमियम और माइनस में हुआ तो डिस्काउंट, ये आएगा स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड इंटू 12/N इंटू 100। यहां पे वी यूज बिड रेट्स एंड इफ द आंसर इज पॉजिटिव देन करेंसी ए एट प्रीमियम, जिस करेंसी के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसका आंसर अगर पॉजिटिव आए तो वो करेंसी प्रीमियम पर है। If answer comes as negative, then currency A is at discount. वो by default अपने आप ही हो जाता है।